हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर। देखिए, आईपीएल की कल से शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में धवाल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हर एक वो खिलाड़ी जिस पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है, उस पर निगाहें भी सभी की बनी हुई है कि वो किस स्ट्रैटेजी से मैदान में उतरने वाला है। लेकिन अगर हम इस लिस्ट की बात कर ले 2008 से लेकर अब तक यानी कि 2023 तक कितना बदलाव आया है और खास तौर पर इनकम में कितना बदलाव आया है, क्योंकि कुछ एक खिलाड़ी ऐसा भी है, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी है जिसने सभी के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं। 2008 से लगातार उनके इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन सिर्फ इंडिया प्लेयर का एक ऐसे खिलाड़ी है, इंडियन प्लेयर का, जिसका नाम है रोहित शर्मा, जिसने सभी को पछाड़ दिया है। इनफैक्ट विराट कोहली तक को उन्होंने पछाड़ दिया है और अभी आईपीएल के रेस में वो सबसे आगे चल रहे, यानी कि ज्यादा कमाई में वो सबसे आगे। देखिए, अगर हम इनके इनकम की बात कर ले तो 178 करोड़ रुपए रोहित को यहाँ पर मिल रहा है और ये सबसे ज्यादा। हालांकि अगर 2008 की बात करें तो रोहित को 2008 में सिर्फ 3 करोड़ में उन्हें खरीदा गया था और वो रोहित जो है 2008 में सिर्फ 3 करोड़ में बिके थे और अभी जो है शर्मा की जो सैलरी है वो 16 करोड़ रुपए हैं और कमाई के मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, अगर हम 2008 का अगर हम लिस्ट चेक करें तो उसमें 3 करोड़ से इनकी शुरुआत होती है, जो कि बराबर ही रहती है 2009 में भी, लेकिन ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जो है, और अब 2023 की बात कर ले जाए तो 16 करोड़ रुपये रोहित शर्मा को मिलने वाला है। रोहित शर्मा 16 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसी कड़ी में अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, जो सबके चहेते हैं, उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी हुई 176 करोड़। दरअसल अगर हम बात कर लें 2008 की तो महेंद्र सिंह 6 करोड़ में, और 2008 के सबसे महंगे प्लेयर थे महेंद्र सिंह धोनी, और ऐसे में 2008 में उनको 6 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और उसके बाद जो उनकी इनकम थी उसमें बढ़ोतरी होते होते जो है 2023 तक 12 करोड़ रुपए उनकी सैलरी हो चुकी है। सिर्फ आईपीएल की ये कमाई की हम बात करें, बाकी एडवर्टाइजमेंट, बाकी जो बीसीसीआई के साथ जो खेल है वो अलग है। लेकिन ये देखिए, विराट कोहली की बात कर लिया जाए तो विराट कोहली को 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब 12 लाख उनकी सैलरी थी, लेकिन अब जो है उनकी सैलरी बढ़ते हुए 15 करोड़ हो चुकी है। यानी कि आप समझिए कि 2008 से लेकर अब तक एक बड़ा बदलाव। आईपीएल के सीजन्स में भी हमने चेंजेस देखे हैं, लेकिन सैलरी जो है खिलाड़ियों की उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, ध्यान रखिएगा।